हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एट स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती आयोग के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम इसके उद्देश्य, इसके प्रावधानों तथा इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बताया कि राष्ट्रीय भर्ती आयोग के प्रस्ताव को कल 19 अगस्त 2020 को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत एक राष्ट्रीय भर्ती आयोग की स्थापना की जाएगी। यह एक ऐसी संस्था होगी जो विभिन्न विभागों की परीक्षाओं को संचालित करवाएगा। इसके तहत विभिन्न विभागों की प्रीलिम्स परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाएगा। तो देखते हैं अब इसके प्रोविजंस को। सबसे पहले मोदी कैबिनेट ने आज हुई बैठक में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सभी परीक्षाओं के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, लेकिन यह आयोग केवल संबंधित विभागों की प्रीलिम्स परीक्षाएं ही करवाएगा, जबकि उनकी मेंस परीक्षाएं संबंधित विभाग द्वारा ही करवाई जाएगी। इसके द्वारा जारी की गई सीईटी मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए मान्य रहेगी, अर्थात स्टूडेंट के द्वारा एक बार प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद उसे नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए वापस उस परीक्षा के प्रीलिम्स को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अभी केवल इस आयोग के तहत केवल SSC, IBPS और RRB एजेंसी को ही इसके दायरे में लाया गया है। भविष्य में अन्य संस्थाएं भी इसके दायरे में लाई जा सकती है। इसके तहत अब केवल एक ही आवेदन, एक ही शुल्क और एक ही परीक्षा होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, NRA के तहत साल में 2 बार टेस्ट होगा और 1000 से अधिक टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। ये सेंटर जिला हेडक्वार्टर में बनाए जाएंगे, अर्थात ये सेंटर जिला स्तर पर बनाए जाएंगे। इसमें उम्र में छूट नहीं मिलेगी, फीस कंसेशन पहले जैसे ही रहेंगे। इसके तहत परीक्षाएं 12 भाषाओं में होगी। अभी वर्तमान में ये परीक्षाएं केवल दो भाषाओं में ही होती है, जबकि ये अभी इस NRA आयोग के तहत ये परीक्षाएं 12 भाषाओं में होगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर दिल्ली होगा। सीटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, लेकिन सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार SC ST तथा अति पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। NRA के लिए वर्तमान में 1517.57 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। यह वे 3 वर्षों की अवधि में करवाया जाएगा। जो परीक्षा सेंटर्स तथा आधारभूत बुनियादी ढांचा अवेलेबल करवाने के लिए किया जाएगा। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को। सरकार के इस फैसले का देश के करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में इन परीक्षाओं में बैठने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 2 से 2.5 करोड़ है। यह सीधे सीधे उन सभी स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचाएगा। इससे युवाओं की मेहनत और पैसा दोनों की बचत होगी। इससे भर्ती, चयन, नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के उन वर्गों के लिए जीवन में आसानी लाएगा जिन्हें अभी तक इनका लाभ नहीं मिला है। अभी वर्तमान में केवल NRA में केवल SSC, IBPS और RRB एजेंसी को ही इसके दायरे में लाया गया है। बाद में इसमें अन्य भर्ती एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा। इस एजेंसी का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाओं के जाल से छुटकारा दिलाना है। नेक्स्ट देखते हैं, सीटी मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए मान्य रहेगी। इस बीच और भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना, उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में भी बैठ सकेगा। मीन्स उसे अब 3 साल के लिए प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा, एक बार प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद। इससे महिला अभ्यर्थी को भी काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि महिलाओं को इससे काफ़ी दिक्कत होती है अलग अलग सेंटर आने पर एग्ज़ाम्स देने में, लेकिन अब NRA के तहत एक ही संस्था बनाने के बाद इससे महिलाओं को काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये था नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती आयोग 2020। अगर आपको हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।